हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो होम रेमेडी पैक लाई हूँ वो मैं आपके लिए लाई हूँ, एक फेस पैक जो कि मुल्तानी मिट्टी से बनने वाला है। ये पैक बहुत ही अच्छा है, आपके चेहरे को सूदिंग इफेक्ट देगा, ठंडक देगा, और जो आपके चेहरे पर जब सन से जो टैन जाती है हमारी स्किन, उस टैनिंग को भी दूर करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। मुल्तानी मिट्टी ऐसे भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही नेचुरल होता है, इसमें कोई केमिकल्स ये सब नहीं मिले होते और बहुत टाइम से इसे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं कि इसे यूज़ कैसे करना है, या फिर इस मुल्तानी मिट्टी से तरह तरह के पैक बनते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पैक बना के दिखला रही हूँ, जो आप कभी भी आसानी से घर में बना सकते हैं, और जल्दी और झटपट बनने वाली ये होम रेमेडी ये है, और ये पैक आप आसानी से बना सकते हैं, और ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लोइंग स्किन देगा, ग्लोइंग इफेक्ट देगा। मुल्तानी मिट्टी ऐसे ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग होम पैक तैयार करते हैं अपने फेस के लिए। इससे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें। तो चलिए आज का पैक बनाते हैं फेस के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मेरे पास ये मुल्तानी मिट्टी है, आप देख सकते हैं, मैंने इस ब्रांड का मुल्तानी मिट्टी ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। ये पाउडर के रूप में आता है, ये लगभग 150 ग्राम का है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा देता है मेरी स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं ये कैसा है, कौन किस ब्रांड का है, ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसके एक वन स्पून लूँगी मुल्तानी मिट्टी का। अभी जस्ट मैंने खोला ही इसे, आप लोग देख सकते हैं ये जस्ट अभी नया नया खोला ही है मैंने इसे यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर वन इस चम्मच से इतना मुल्तानी मिट्टी अपने फेस के अकॉर्डिंग, जितने आपके फेस पे अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। तो मैंने इतना भरकर ये मुल्तानी मिट्टी लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे दही, 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग इतना ऐड करेंगे कि ताकि इसका एक थिक पेस्ट तैयार हो जाए। थोड़ा सा दही डालेंगे और इसमें अब हम डालेंगे ये डाबर गुलाब जल का रोज़ वाटर, 1 या 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करेंगे ताकि इसका और इन सब का हम लोग एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लेंगे गुलाबड़ी का। ये देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट एक तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं अच्छा सा इसमें पेस्ट हम लोग तैयार कर लेंगे, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए, आपके चेहरे एकदम खिल उठेंगे, नेचुरल ग्लो आएगा, और स्किन की जो टोन है वो 1 से 2 टोन आपकी हल्की होने लगेगी, धीरे धीरे गोरी भी होने लगेगी। बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। ऑयली स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी तो बहुत ही अच्छा है, ऑयली स्किन वाले को तो हफ्ते में 3 से 4 बार मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे लगाना चाहिए, मुल्तानी मिट्टी के पैक बना के, तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा। देखिए बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। इस तरह से हम लोग पेस्ट तैयार कर लेंगे मुल्तानी मिट्टी का। थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर और डालूँगी इसमें, ये ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है और आपकी स्किन को बहुत ही ठंडक देगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे लगाना कैसे है, अपने फेस को पहले क्लीन कर लीजिए, पानी से धो लीजिए और उसे इस तरह से पैक को अप्लाई कीजिए फेस पर। देखिए कितनी ठंडक मेरे हाथों में दे रही है लगाने पर। तो इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जब ये ड्राई हो जाएगा 15 से 20 मिनट के बाद हम लोग इसे ठंडे पानी से धो लेंगे और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि हफ्ते में अगर एक हफ्ते में आप कम से कम 2, 3 या 4 बार इसे यूज़ करें नहाने से पहले, या फिर जब भी आपको टाइम मिले आप करें, तो आपकी टैनिंग एकदम दूर हो जाएगी, स्किन ग्लोइंग करने लगेगी, हेल्दी हो जाएगी और ग्लोइंग भी करेगी। आप खुद इसे ट्राई करके एक बार ज़रूर देखें, ये होम रेमेडी बहुत ही अच्छी है। और काफ़ी कम सामानों से मैंने इस पैक को तैयार किया है, केवल इसमें है मुल्तानी मिट्टी, आप देख सकते हैं मैंने इस ब्रांड का यूज़ किया है, केवल है मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर, ये डाबर का गुलाब जल और दही, बस इन 3 चीज़ों से मैंने ये पैक तैयार किया, और ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ज़रूर
ट्राई करें। अगर ड्राई स्किन है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स कर सकते हैं, या फिर इसके जगह हम लोग इसमें थोड़ा सा ये मिल्क ऐड कर सकते हैं। 2 स्पून मिल्क ऐड करके तब फेस पैक लगाइए और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए वॉश करने के बाद। तो देखिए कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई है और टैनिंग तो बिल्कुल ही दूर हो जाती है इससे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।